बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो है मटन कढ़ाई, मटन पिशावरी कढ़ाई। इसके लिए मैंने गोश्त बॉईल कर लिया है। ये मेरा गोश्त बॉईल हो चुका है। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने एज़ रिक्वायर्ड फ्राइंग के लिए मैंने तेल डाला है। ये जो बॉयल गोश्त है वो इसमें मैं फ्राई करूँगा। आइए चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमारा बॉयल गोश्त है वो मैं इसमें फ्राई करने के लिए ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने 2 किलो मेरा गोश्त है, कितना बेहतरीन कलर आ रहा है इसका। ये मेरा गोश्त फ्राई हो चुका है, देखें इसका रंग टोटल चेंज हो गया है। अब मैं इसी में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगा 1 टेबल स्पून। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगा ताकि ये अपना असर छोड़ दे नमक। अब इसको फ्राइंग में डाल सकते हैं ताकि गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लहसुन थोड़ा कच्चा रखेंगे हम। अब मैं इसमें तकरीबन 5 अदद टमाटर स्लाइस कटे हुए ऐड कर देंगे। आप बाकी आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं ये इसमें स्टॉक, जो बकरे के गोश्त का स्टॉक है, मैं ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा इसको पकने देंगे। अब धनिया से मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा है, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, कुटा हुआ ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और एज रिक्वायर्ड। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली तकरीबन 12-20 से कट करके ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी हो गई है। थोड़ा पानी सुखा के हम इसको सर्व करेंगे। हम थोड़ी सी हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। और हम इसको, हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है।